जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों पर अभी वर्तमान में देखें तो शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है और शनि वर्ष 2025 में राशि परिवर्तन करके साढ़े साती के तीसरे चरण की तरफ अग्रसर हो जाए। अब ये शनि वर्ष 2025 में साढ़े साती का तीसरा चरण देते हुए वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे, नक्षत्रों का परिवर्तन भी करेंगे। उसका आपकी राशि को क्या फल मिलेगा कि भाई साढ़े साती के लगभग लगभग देखें तो दो चरण गुजार दिए हैं, यानी 5 साल का समय पूरा कर दिया है, लेकिन अभी 2.5 वर्ष बाकी है। ये 2.5 वर्ष आपकी राशि के लिए कैसा होगा, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहली प्राथमिकता है कि चंद्रमा से दूसरे घर के अंदर शनि आ रहे हैं 2025 में, वो आपको क्या देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है और आपको शनि से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि लगन से अगर आपको देखना है तो लगन से गोचर का इफेक्ट अधिकतम दशाओं से आता है, इसलिए जिस प्लेनेट की दशा चलती है उसके ट्रांजिट को हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये शुरुआत करते हैं कि भाई वर्ष 2025 में शनि का ट्रांजिट शुरुआत में कहाँ है, बाद में कहाँ जाएगा और उसका इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले हम देखें तो वर्ष 2025 के अंदर शुरुआत में हम देखते हैं तो चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि है। कब तक है? 29 मार्च 2025 तक है। चंद्रमा के ऊपर शनि का ट्रांजिट हमेशा से सबसे पहले क्या होता है, चंद्रमा हमारा मन है, जिसको हम एक वाइट पोर्शन कहते हैं। चंद्रमा का रंग कैसा है? सफ़ेद। शनि का रंग क्या है? ब्लैक। चंद्रमा क्या है? मन। शनि क्या है? स्वभाव में अशुभ है। इसलिए चंद्रमा पे जब शनि का ट्रांजिट हो तो उस दौरान इरिटेशन बढ़ती देखी गई है, चिड़चिड़ाहट बढ़ता देखा गया है, छोटी छोटी बातों को लेकर एग्रेशन क्रोध आती देखे गए। लेकिन शनि क्योंकि यह अपने ही राशि में है, अपने ही भाव में है और यह शनि की मूल त्रिकोण साइन कहलाती है, इसलिए यहाँ पर बैठकर शनि को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंद्रमा को प्रॉब्लम ज़रूर है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, जब उस पर शनि का ट्रांजिट होता है तो वो प्रॉब्लम देता है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि भाई कुंभ राशि के जातकों अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसका रीजन शनि के साढ़े साती नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं पर्टिकुलर मिला हूँ इस दौरान 2.5 साल में, जिनकी हॉरोस्कोप मैंने देखी है, उनको दशाएं परफेक्ट चल रही हैं तो उनको साढ़े साती तंग नहीं कर रही। हाँ, जिनकी दशाएं खराब चल रही हैं उनको लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है मेरे जीवन में साढ़े साती की वजह से हो रहा है, जबकि ट्रांजिट सभी के लिए सेम है कि एक व्यक्ति की राशि कुंभ है उसको शनि कम परेशान करे और एक की राशि को दूसरे की कुंभ है उसको ज़्यादा परेशान करे, ऐसा नहीं हो सकता। वो कम और ज़्यादा जब ही परेशान हो सकते हैं जब एक की दशा अच्छी चल रही हो और एक की दशा खराब चल रही हो, क्योंकि ट्रांजिट तो सबके लिए सेम है, लेकिन उसको दशाओं से जोड़े। इसलिए मैं हमेशा से ज्योतिष को लेकर चलता हूँ, फल, दशा और गोचर। गोचर मेरा सबसे लास्ट का पार्ट होता है जिसको मैं हॉरोस्कोप पे लगा के यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास सभी का चार्ट नहीं होता है, इसलिए हम उस पर सिर्फ ट्रांजिट की बात करते हैं। अब 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट होगा चेंज, और जब शनि का ट्रांजिट चेंज होगा तो आप देखिए आपकी राशि कुंभ है। अब कुंभ राशि शनि की ही राशि है, शनि आपकी राशि के मालिक हैं या शनि आपके लग्न के मालिक। कुंभ राशि एक स्थिर राशि है, एक गंभीर राशि है, स्थिरता इस राशि के अंदर है, चलायमानता कम है, किसी चीज़ पर लंबे समय तक रुकना, लगना और उस पर काम करना और उसके रिजल्ट का वेट करना ऐसी राशि के स्वभाव में होता है। लेकिन ये राशि क्योंकि एक वायु तत्व की राशि है, इसलिए ऐसे लोगों के जो स्वभाव है या इनका जो दिमाग है उसमें लगातार विचारों का आवागमन रहता है, क्योंकि वायु तत्व राशि का मतलब होता है फ्लो, और उसके अंदर चंद्रमा है तो मन में फ्लो है। आपका मन किसी एक काम को करते करते किसी और अन्य कामों की तरफ भी जा सकता है कि मैं इससे तो कुछ कर ही रहा हूँ, क्यों ना मैं इससे भी कुछ कर लूँ। ऐसा कुछ हम किससे देखते हैं? आपकी राशि से। अब आपकी राशि के लॉर्ड राशि से निकल कर दूसरे भाव में पहुँच जाते हैं, यहाँ से शुरू होती है जीवन में शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण। सबसे पहले कोई भी प्लेनेट अपने भाव यानी अपनी खुद की राशि से निकलकर अगर वो दूसरे घर में जाता है, यानी अगर उसने खुद कर्म किया तो दूसरे घर में उसका धन है, लग्न या राशि से दूसरा घर धन का है,
कर्म भाव से दूसरा घर धन का है, आप किसी भी भाव से उसका दूसरा भाव धन के रूप में ले सकते हैं। यानी आप जो कर रहे हैं उसका गेन या उसका लाभ या उसका प्रॉफिट या उसका पैसा या उसका धन या उसके धन को एकत्रित करना सेकंड हाउस में देखा जाता है। और आपकी राशि या किसी भाव से ग्यारहवा घर उस भाव के फल प्राप्ति का संकेत होता है कि भी हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, हमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब शनि के लिए सबसे खास और सबसे पॉजिटिव स्थिति क्या है कि ये भले ही शनि के साढ़े साती का तीसरा चरण देता है, इससे पहले यदि आप देखेंगे कि जब शनि यहाँ थे तो यहाँ से दसवें भाव पे उनकी दृष्टि थी, यानी चंद्रमा से दशम पे शनि का प्रभाव आपको कार्य क्षेत्र में लगातार संलग्न होता दिखाता है कि भी इस दौरान व्यक्ति के वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ी है, शनि ने वर्क कराया है। क्योंकि वो दशम दृष्टि है और दशम पे है, इसका मतलब सीधा है कि ये एक प्रोफेशनली दृष्टि है कि इस प्लेनेट ने लगातार आपको कार्य क्षेत्र के लिए मेहनत करना सिखाया है और आपने की है। अब राशि से दूसरे घर में शनि आता है, दूसरा घर धन का, यानी अब आपका बहुत सारा ध्यान पैसा कमाने की तरफ जाएगा। या इसको ये भी कह सकते हैं जी मैंने पिछले समय में जो कर्म किया उसका धन लेने का समय तो मेरे पास अब आया है, मेरे पास जो समय है वो अब आया कि अब मुझको पैसा कैसे निकल आना है, वो कॉम्बिनेशन यहाँ से दिखाई देगा कि पिछले समय में किया गया कर्म या मेहनत अब आपको धन के रूप में आती दिखाई देगी। क्योंकि शनि आपकी राशि से सेकंड हाउस में गए, ये दूसरा घर धन का घर है, दूसरा घर के स्वामी गुरु हैं और गुरु धन के कारक भी हैं। अब धन के कारक को देखना बहुत जरूरी है, तो हम देखेंगे कि भाई लगभग अप्रैल के लास्ट या मई में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और बृहस्पति आ जाएंगे राशि से पंचम भाव के अंदर। ये देखिए यहाँ आ जाएंगे, यानी प्लैनेट जिसकी राशि में चल रहा है अगर वो भी स्ट्रांग है तो ये हमारे लिए और बेहतर कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब हमें यह देखना है कि बृहस्पति और शनि एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं, वो कैसे कि शनि दूसरे घर से बैठकर 11th हाउस को देखते हैं तो गुरु भी दूसरे घर से बैठ के 11th को देखते हैं। यानी क्या हम कह सकते हैं कि भाई जहाँ शनि का ट्रांजिट चेंज हुआ वहीं कुछ दिन बाद गुरु का ट्रांजिट चेंज हुआ और दोनों प्लैनेट ने बैठकर 11th हाउस को देखा। इसको क्या कहते हैं, डबल ट्रांजिट, दोहरा गोचर, यानी शनि को गुरु की आवश्यकता है और गुरु ने उस आवश्यकता को पूरा करा। दोनों प्लैनेट ने 11th हाउस को देखा, दूसरे घर से बैठकर शनि ने और पंचम से बैठकर गुरु ने। इसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन धन की वृद्धि देने वाला है क्योंकि दूसरा और ग्यारहवा दोनों ही धन है। दूसरा मेरा धन संचय है, ग्यारहवा मेरी कमाई है क्योंकि वो कर्म से दूसरा भाव है। इसलिए स्ट्रांगली अगर हम कॉम्बिनेशंस को देखें तो शनि की ये जो स्थिति है ये एक वैल्यूएबल स्थिति है, ये स्थिति को पॉजिटिव करने की स्थिति है जिसको फाइनेंशियली मैं बेहतर कहता हूँ। जब शनि गुरु की राशि में हो तो आपके अनुशासन आपके नियमों को बढ़ाने वाली है, आप अपने काम के प्रति और अधिक सीरियस हो जाएंगे क्योंकि ये जल तत्व राशि है, आपकी गहराई बहुत हो जाएगी काम में, आपके सोच विचार बहुत हो जाएंगे काम के अंदर। आप हर समय ये सोचेंगे कि कैसे मैं अपना काम करूँ, कैसे काम को आगे बढ़ाऊँ, कैसा कैसा योजना बनाऊं जिससे मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकूं। ये कहाँ से आता है, चंद्रमा से दूसरे घर के अंदर शनि है। हालांकि साढ़े साती चल रही है लेकिन चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि का चलना ज़्यादा खराब है। तीसरे भाव में यानी दूसरे भाव में जाना या अंतिम चरण में जाना आपके लिए शुभ है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई एक जाती हुई साढ़े साती जीवन में पॉजिटिव आस्पेक्ट की तरफ लेती जा रही है कि मेरे को साढ़े साती का तीसरा चरण एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है। वो पॉजिटिव वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा प्रोफेशनली है, प्रोफेशनली है तो फाइनेंशियली गेन है ही है क्योंकि वो प्रोफेशन का कारक है। वो प्लेनेट राशि या लगन से का मालिक हो के दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है आपके लिए। वहीं यही कॉम्बिनेशंस अगर हम देखें कि 12th लॉर्ड होके भी शनि यहाँ है, यानी कुछ खर्चा भी लगातार ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है। इसको खर्चे के साथ कहूँ तो इन्वेस्टमेंट कह सकता हूँ। ऐसी स्थिति में क्या है, क्योंकि शनि यहाँ से बैठकर 4th हाउस को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में शनि का फर्ज बनता है आपको प्रॉपर्टी दिलाने का, या ऐसे समय में आप भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी या वाहन आदि पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान ली फॉर एग्जाम्पल आजकल व्यक्ति किसी वाहन को खरीद रहा है, उसका काम वाहन खरीदने का है या उसका काम वाहन से कुछ लाभ लेने का है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे JCB मशीन है,
आपने उसको खरीद लिया, शनि उसका कारक भी है तो उससे आपको लाभ मिल गया। तो ऐसे चीज़ों से यदि ऐसे जुड़ो का कोई आपका काम है, आपका काम भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि शनि एर्थ हाउस को भी देखता है। इसलिए ये स्थिति धन के लिए भी ठीक है। बहुत बार इसको पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो उन चीज़ों को ये सॉल्व करने में सक्षम है। और इलेवंथ को तो वो देखता ही है, यानी इलेवंथ हाउस, हाउस ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, पैसे का बढ़ाना, पैसे की वृद्धि करने के लिए शुभ है। यानी हम क्या कहेंगे कि शनि की लॉर्डशिप भी बेहतर, शनि की प्लेसमेंट भी बेहतर हुई। यानी शनि को ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि एक सकारात्मक स्थिति इसके अंदर आती दिखाई दे रही है। अब वर्ष 2025 के अंदर शनि सबसे पहला जो परिवर्तन शनि में आता है वो शनि के वक्री तत्व में आता है। हमने देखा है कि भैया 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक शनि जो आपकी राशि का लॉर्ड है और जो 12th लॉर्ड भी है वो वक्री होके सेकंड हाउस में आता है। वक्री होना प्लेनेट का खराब नहीं है, क्योंकि वो सूर्य से दूर होके खुश है। सूर्य के पास जाएगा तो अस्त हो जाएगा, दूर है तो खुश है, उसको चेष्टा बल मिलता है। इसलिए जो सेकंड हाउस के फायदे मैंने आपको बताएं, नियम है, अनुशासन है, फाइनेंस है, पैसा है, बोलचाल है, इन सब के लिए ठीक है। लेकिन दूसरे घर में शनि वक्री है तो आपके दिनचर्या को थोड़ा बिगाड़ सकता है, आपके खान पान को बिगाड़ सकता है, और आपके गलत खान पान के कारण आपको तबीयत खराब कर सकता है, या ये कह सकते हैं इस दौरान आपको कोई बैड हैबिट्स लग सकती है, उससे आपको थोड़ा बच के चलना है। शनि का राशि से दूसरे घर में जाके वक्री होना आपको किसी चीज़ का आदि बना सकता है, आपको किसी चीज़ की गलत चीज़ में डाल सकता है, इस बात पर विशेष गौर करके रखें। अदरवाइज़ ये ट्रांजिट, ये वक्री होना आपके लिए शुभ है, लेकिन आपकी दिनचर्या खराब ना हो, आपकी लाइफ स्टाइल खराब ना हो, उससे सेहत खराब ना हो, या उससे हम कह सकते हैं कि कोई गलत प्रकार की कहानी आपके जीवन में ना हो। अब यही शनि जो है आपके जीवन के अंदर अगर हम देखें तो नक्षत्र परिवर्तन भी करता है। तो शनि का वर्ष 2025 में सबसे पहला नक्षत्र परिवर्तन 28 अप्रैल को हुआ। 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक शनि वक्री हुए, लेकिन ये भी हमारे लिए सकारात्मक कि शनि जो आपकी राशि के ही लॉर्ड हैं, जो वक्री भी चल रहे हैं और अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी फिर से ये वही स्थिति के प्लेनेट जहाँ बैठ के और जहाँ देख रहा है उन सभी जगहों की वृद्धि कर रहा है। वो सेकंड हाउस की वृद्धि, इलेवंथ हाउस की वृद्धि, या इसको हम कह सकते हैं पैतृक संपत्ति प्राप्त होना, या भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि क्षेत्रों से फ़ायदा मिलना, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। लगातार ये शनि एक प्रमोशन की तरह काम करेगा, लगातार शनि एक वृद्धि की तरह काम करेंगे, लगातार शनि जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे, ये क्लियरली यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब शनि वक्री ही होते हुए एक और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, क्योंकि वो उल्टा चलेंगे तो वो वापस पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में इंतजार कर रहे हैं बृहस्पति इनका, क्योंकि पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, और गुरु का इंतजार कौन कर रहा है? शनि कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की राशि में ही शनि है और बृहस्पति आपके लिए ऑलरेडी सेकंड लॉर्ड है। और ये है, यानी हम क्या कहेंगे कि लगभग लगभग जून से लेकर दिसंबर का जो समय है आपके जीवन के लिए प्रोफेशनली फाइनेंशियली बेटर है। ये समय आपके जीवन में धन के लिए अच्छा है, प्रमोशंस के लिए अच्छा है, तरक्की के लिए अच्छा है। बिना कुछ बदलाव किए, बिना कुछ परिवर्तन किए आपके जीवन में जो कॉम्बिनेशन है वो आता है कि भाई इस दौरान बैठे बिठाए लाभ मिलना, कंपनी के अंदर सैलरी बढ़ जाना, प्रमोशन हो जाना, तरक्की हो जाना, ये सब चीज़ें। यानी आपको सिर्फ अपने टारगेट्स पर ध्यान रखना है, अपने काम पर फोकस करना है, बाकी शनि का वक्री होना पॉजिटिव, नक्षत्रों में परिवर्तन होना पॉजिटिव, भले ही अंतिम चरण में है लेकिन ये आपके लिए सकारात्मक दिखाई देता है। यानी जैसे ही शनि का मूवमेंट यहाँ से होगा काफ़ी बड़ा रिलीफ आपको मेंटली मिलना शुरू हो जाएगा, कि जो मेंटली प्रेशर आपके ऊपर है वो एक बहुत हद तक दूर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई शनि कि जो 7.5 का तीसरा चरण कुंभ राशि के जातकों के लिए आया है ये अपने आप में बहुत बेहतर है। बस इसमें थोड़ी सी ध्यान यही रखना है कि शनि क्योंकि 12th लॉर्ड भी हैं तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझकर करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम इस ट्रांसिट में नहीं है। 2025 आपके लिए शनि महाराज की बदौलत बहुत हद तक बेहतर बनता दिखाई दे रहा है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा होगा कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में शनि का ट्रांजिट 6.5 के तीसरे चरण को लेते हुए। जय श्री राम।